गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज जो है ब्लॉग की स्टार्टिंग काम पे से कर रहे हैं, काम पे आ गया हूँ। अभी ब्लॉग की स्टार्टिंग ऐसे किया है बिकॉज टाइम बहुत ज्यादा हो गया था ना, तो जल्दी जल्दी निकले थे तो अब सीधा काम पे ही आ गए हैं। और 4 बजे जो है परमानेंट मंदिर जाना है रियन के साथ में, तो उन्होंने कहा कि ब्लॉग कहीं लंबा ना हो जाए ना, कल का ब्लॉग काफी लंबा हो गया था, तो इसलिए 4 बजे जाएंगे परमानेंट मंदिर, क्योंकि आज जो है सोमवार है तो शिव जी के मंदिर जाएंगे। और इसके बाद जो है वापस से यहीं पे काम पे आ जाएंगे या फिर जहाँ जाएंगे देखते हैं, बट जो 4 बजे आना है अभी काम कर रहे हैं। ये वाला जो ऊपर के पल्ले बने थे ना दो, तो ये सारे पल्ले कंप्लीट है, तैयार है, बस जो है टांगने हैं। और माइका भी आई नहीं है तो इसमें माइका लगाना, माइका पेस्ट करना होता है, इसके ऊपर जो है माइका पेस्ट होगी ब्लैक वाली एंड व्हाइट वाली, तो वो माइका अभी आई नहीं है, माइका आएगी तो वो माइका भी पेस्ट हो जाएगी। तब तक जो है हम और कोई काम करते हैं बिकॉज अभी यहाँ पे आ गए तो अब काम करते हैं, कुछ काम कर लेते हैं, इसके बाद हम जब निकलेंगे आगे मतलब मंदिर जाएंगे तब, एंड और कोई काम होगा तो सारी चीजें सब कुछ हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो अभी जो है मैं जा रहा हूँ काम कर रहे हैं, क्योंकि काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। गाइस जैसे कि ये पल्ला लगा हुआ ना, ये प्रोफाइल वाला पल्ला, जस्ट ऐसे ही पल्ला यहाँ पे लगना है, मतलब यहाँ पे, ठीक है, इसमें भी लगेगा तो वही बनने जा रहा है। और उसके लिए पूरी कटिंग करेंगे इसको और तैयार करेंगे, अभी बनाएंगे। तो गाइस ये वाला काम जो है हो चुका है, जो मैंने बताया था ना प्रोफाइल वाला पल्ला, ठीक है। तो काम अच्छा प्रोफाइल का पल्ला है, प्रोफाइल का पल्ला है, इसमें लाइट लगेगी क्या? लाइटिंग है सारे खानों में। अच्छा चारों खाने में अंदर अंदर लाइट है, प्रोफाइल लाइट है, वो प्रोफाइल लाइट है अंदर अंदर जाएगा। अच्छा सामने कहाँ जाएगा ये प्रोफाइल में कहाँ? अच्छा आईना है इसका, ये जो बना हुआ कॉर्नर ना इसी में फंस जाएगा, इसी में फंस जाएगा शीशा है ना। बोलिएगा कितने बाय कितने का ये? कितने बाय कितने का? 2x6.5 का ये है ड्रेसिंग, कंप्लीट है ना, कंप्लीट, ठीक। अभी जो है पल्ला करने जा रहे हैं, ये वाला पल्ला जो है ना इसको मॉडिफाई किया जाएगा, और मॉडिफाई करके इसे चेंज करके पूरा इसमें जो है MDF की जो डिजाइन है ना वो लगाई जाएगी, और फिर इसे वहाँ पे जाम किया जाएगा। और वो अभी होगा, अभी जस्ट होगा, अभी जो मेरे कारीगर भाई साहब जो है कर रहे हैं, तो इसे कंप्लीट करेंगे पूरा और दिखाएंगे सारी चीजें कैसे होगा ना। अब जो है टाइम 5 से 11 हो गया था, मतलब मुझे 4 बजे निकलना था, बट जो है 5:30 बज गया था इंतजार करते करते, क्योंकि मुझे मेरे फ़ोन का जो है नेटवर्क प्रॉब्लम कर गया था तो मैं कॉल नहीं कर पाया जैन को, बट जो है 5:30 बजे मैं जो है लाइन पे लग चुका था, तो मैंने लाइन पे लग गया था, तब जो है काफ़ी ज़्यादा उजाला था, मतलब चारों तरफ जो है उजाला था तो दिख रहा था, मतलब विजिबल था, बट धीरे धीरे जो है उजाला कम होता, मतलब विजिबिलिटी जो है कम होती गई। और क्योंकि यह लंबी मतलब काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन थी, मतलब परमानेंट मंदिर से मतलब बाबा के जहाँ द्वार था वहाँ से कम 2 किलोमीटर तक लगभग लाइन लगी हुई थी। मैं लाइन में लगता लगता जो है लगभग जो है 5 तक पहुँच ही गया था, और मुझे लगा था कि दर्शन हो ही जाएंगे, और बस बिल्कुल 5 में ही पहुँच गया था। तो क्या हुआ कि मतलब मैंने सोचा नहीं था जो हो गया, मतलब मैंने सोचा कि शायद दर्शन अब हो जाएंगे, अंदर मैं पहुंचने ही वाला हूं, लेकिन लाइन में लगे लगे जो है लाइन बीच से रुक गई और किवाड़ बंद हो गया, तो फिर हम भी खड़े रहे, काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार किया किवाड़ खुलने का, तो लगभग जो है मैं 4 घंटे लाइन पे लगा रहा, इंतज़ार करता रहा किवाड़ खुलने का, फिर जो है आरती हुई और पूजा हुई, तो इसके बाद जो है किवाड़ खुले और फिर लाइन आगे की तरफ बढ़ी, फिर मेरी मतलब मैंने भी होप किया कि हाँ शायद जो है अब अंदर जाने को मिलेगा। मैं खड़ा था इंतज़ार कर रहा था कि बस जो है दर्शन हो, तो मुझे उस चीज़ का दर्द नहीं था कि मैं बहुत जो है पैरों में दर्द हो रहा था, बट अच्छा था, बस इतना एक उम्मीद थी ना कि दर्शन होंगे, पीछे भी सब लगे थे, करोड़ों लोग लगे थे, तो मैं भी सबके साथ में खड़ा था, तो चलता गया दर्शन होने ही वाले थे, तो इसलिए मेरी जो है अंदर की जो क्षमता थी ना वो ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ रही थी, मेरी जो है इच्छा और ज़्यादा बढ़ रही थी दर्शन करने की, तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मतलब जितना ज़्यादा मेरे पैरों में दर्द हो रहा था ना उससे ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इसलिए क्योंकि मैं जो है अंदर जा रहा था, लेकिन क्योंकि लाइन जो है बढ़ रही थी
तो अंदर गया था। ये है कि इससे मुझे टाइम बहुत ज़्यादा लग गया, क्योंकि जो है ऐसे टाइम पर मैं अंदर गया था ना, कि मतलब वहाँ जाते ही जो है अब बाबा का द्वार आ गया, ये बाबा का द्वार है, अब हम सीधा अंदर जाएंगे। और वहाँ जा ऐसा हुआ था ना, जाते ही किवाड़ बंद हो गया था, तो आरती इस वजह से ज़्यादा टाइम हो गया। लेकिन अच्छा हुआ कि मैं जो है आरती में शामिल भी हुआ, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो अब अंदर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम जो है अंदर जाते हैं और इसके बाद जो है दर्शन करेंगे पूरा, मतलब महादेव बैठे तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारे महादेव बैठे हैं, तो यहाँ पे हम जो है दर्शन करेंगे, क्योंकि जो है पूरी तरीके से वीडियो अंदर नहीं बना सकते, तो बस इतने ही वीडियो बनाएंगे बस। अब इसके बाद जो है निकलेंगे बाहर। फाइनली मतलब ब्रिजेंद्र तो चला गया था ना, तो अब जो है फाइनली 4 घंटे बाद मुझे जो है महादेव के दर्शन प्राप्त हो गए। तो अब हम जा रहे हैं पापा की साइड पे, बिकॉज मुझे गाड़ी से जाना पड़ेगा ना, तो अभी गाड़ी से मतलब जाएंगे पापा के पास, फिर गाड़ी से बैठ के जाएंगे। अब यहाँ तक आ गए, मेरे पास ना किराया है, ना पैसे है, ना कुछ कुछ भी नहीं है, पैसे 1 रुपए नहीं है, बस दर्शन करना था इसलिए जल्दी आ गया था बस। तो आप जो है घर चलेंगे, मतलब पापा को बुलाना होगा, फोन करके बुला लेते हैं यहाँ पे। पैसे मेरे पास नहीं है, 1 रुपए भी नहीं है मेरे पास पैसा। अब पापा को बुलाएंगे, यहाँ पे आएंगे पापा, फिर हम गाड़ी से जाएंगे घर। और यहाँ पे जो है ना गंगा नदी के किनारे किनारे पूरा जो है अंधेरा हो गया। अब पुलिस देखो कितनी लगी है, पुलिस भाई पुलिस ही पुलिस है। सोमवार है ना आज, तो सोमवार की वजह से यहाँ पे भीड़ ज्यादा है ना, तो सेफ्टी पर्पज से जो है पुलिस बहुत ज्यादा लगी है। गाइस बिहाइंड द सीन आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, बिकॉज अंधेरा हो गया, रात हो गई है, अब हम घर जा रहे हैं। और अभी मेरे पास कोई भी अभी फोन करते हैं पापा को, वापस आएंगे तो फिर गाड़ी से जाएंगे। और अंधेरा हो गया है यहाँ पे, अगर उजाला होता तो जाते, बट अभी अंधेरा हो गया। 4 घंटे में जो है लाइन पे लगा रहा था, बहुत ज्यादा थक गया हूँ। और अब जाएंगे घर, और बाकी सारे काम क्या क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ वो सारी चीजें दिखाएंगे। तो वहां पे जाएंगे और साइड पे जाके वो सारी चीजें भी दिखाएंगे जो काम हुआ है ना। तो अभी चलते हैं, फोन करते हैं पापा को, फिर इसके बाद जो है बाकी सारी चीजें। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 4 बज रहा है, ठीक है। और मैं सो के उठा हूँ अभी, जस्ट अभी सो के उठा हूँ, और अभी मैं खाना खाने जा रहा हूँ, मुझे भूख लगी है। कल रात में आया था ना, तो ऐसा हुआ था कि रात में आया तो लाइट नहीं आई थी। एक दिन था ना कि फ्लैश चला गया था मेरा वाला, मेरी वाली लाइट जिससे लगी ना, तो वो वाला फ्लैश चला गया था, लाइट आ रही थी रात में, तो रात में कुछ भी नहीं किया, बस सो गया, ठीक है। तो अभी उठा हूँ, सुबह 4 बज रहा है, सुबह के 4 बज गए, तो अभी हम जा रहे हैं खाना खाने। सबसे पहले खाना खाएंगे, भूख लगी है। सुबह उठ के कोई खाना खाता है? मैं खा रहा हूँ सुबह उठ के खाना। तो हम आ गए किचन में, और किचन में जो है, किचन में देखते हैं क्या है। खिचड़ी है जो कि थोड़ी है, तो इतनी खाएंगे, खा जाएंगे, भूख लगी। मैं वहां मंदिर में खड़ा था ना, तो अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। भले ही मैं 4 घंटा खड़ा रहा था, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा था। देखो मुझे क्या हो गया, ये देखो, मैंने ये खिचड़ी निकालने के लिए गिलास लेके आया, क्या हो गया, ये क्या हो गया मुझे, क्या यार। अब जो है प्लेट, मुझे प्लेट लेना था, मैं गिलास ले लिया था धोखे से। तो अभी जो है खिचड़ी निकालते हैं, ठीक है, अभी खिचड़ी निकालते हैं और मस्त यही खिचड़ी खाते हैं। सुबह चार बज रहे हैं, सो के उठ के खिचड़ी, सो के उठ के कोई खिचड़ी खाता है बताओ? मैं खाता हूँ, तो इसकी सारी खिचड़ी में निकाल लूंगा। अरे यार भगोना भारी है, इतना भी भारी नहीं है, तो मेरे से जितनी भी निकल पाई ना उतनी मैंने निकाल लिया, तो जितनी नहीं निकल पाई है वो नहीं निकाली है, ठीक है। चम्मच ही नहीं है, एक भी चम्मच नहीं है, पता नहीं सब चम्मच कहाँ चला जाता है। बर्तन इसी में रखे हुए है सारे, देखो इसमें बेसन में, इसमें से चम्मच निकालना पड़ेगा, है नहीं चम्मच, एक चम्मच दिखा, ये चम्मच है,
मैं इसे धुल लेता हूँ। ठीक है, बस धुल लिया। अब चम्मच हो गया ब्रश। तो अब जो है इतनी खिचड़ी निकली है, तो यही खाने वाले हैं और लाइट बंद कर देते हैं, चलते हैं। तो अभी खिचड़ी खाने वाला हूँ सुबह के 4 बजे। 4 बजे उठ के खिचड़ी, भूख लगी बहुत तेज, भूख लग रही है अंदर से इसलिए। कल रात में लाइट ही चली गई थी, पता नहीं लाइट को क्या हो जाता है, एक फेज चला जाता है मेरे इधर, मतलब एक फेज आता है लाइट आती है, आधे लोगों की लाइट आती है, आधे लोगों की लाइट नहीं आती है। तो अभी खिचड़ी खाने जा रहे हैं मस्त। आज का व्लॉग जो है यहीं तक रहेगा, आज का व्लॉग जो है यहीं पे एंड करेंगे, बिकॉज व्लॉग काफी लंबा हो जाता है ना इसलिए। तो बस अब जो है नेक्स्ट व्लॉग बनाएंगे, और बस आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर रहे हैं। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा या चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।